hello students as you know we have finished till question number 6 now i am going to solve from seventh question of exercise 12.1 as you know it is related to the properties of triangles and specially these questions are related to the angle sum property of a triangle you know the angle sum property it is the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree so start with seventh question ंगल एंगल ट्रा एंगल आर इक्वल फाइन द टू एंगल सो विज राइट तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें कि एक right राइट एंगल right का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे सो राइट लेट इच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी एक्स Means, दोनों की वैल्यू जो है सेम है है ये आप यहाँ डायग्राम बना सकते हैं बट कंपल्सरी नहीं है सी दिस इज राइट एंगल इसमें गिवन है कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं नाउ इजीली यू कैन यूज द एंगल प्रॉपर्टी ओके दैट इज एक्स प्लस एक्स प्लस नाइन्टी सो हम तीनों को एड कर देंगे और आपको पता ही वन एटी डिग्री होता है ना सिंपली टू एक्स इक्वल वन एटी माइनस नाइन्टी टू एक्स इक्वल नाइन्टी डिग्री एंड इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज नाइन्टी डिग्री अपॉन टू एंड एक्स इक्वल फोर्टी फाइव डिग्री सो राइट टू आंसर hence each of the acute angles measure 45 degree this is the answer now students next question question number 8 is in the given five sided closed figure okay some uh, values are given. We have to find the sum of the given angles. So I just need to draw this figure. Five-sided figure means it is a pentagon, not a regular, but pentagon construct curve. These are the sides, second side, then third side, and this is fourth.

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कुछ अज्यूम करेंगे ओके लेट सो जो प्रूव करना है उसमें फर्स्ट एंगल है एंगल ई ए बी तो हम इस एंगल को स्टडी करना है ई ए बी कौन सा है यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज एंगल ई ए बी आई एम यूजिंग रेडिंग तो ई ए बी जो है वो थ्री एंगल्स का कॉम्बिनेशन है तो हम इसको मान सकते हैं एंगल वन टू एंड थ्री अगर इन तीनों को ऐड करें मीन्स एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री तो ये क्या होगा एंगल ई ए बी होगा ऑल राइट देन सेकेंड इज एंगल ए बी सी नो प्रॉब्लम एंगल ए बी सी लेट इट बी एंगल फोर देन बी सी डी सो बी सी डी में हम फाइव और सिक्स करेंगे बिकॉज इन दोनों का जो टोटल आएगा वो एंगल बी सी डी होगा देन सी डी ई ट इज सेवन प्लस एट एंड डी एट इज नाइन ओके स्टूडेंट्स नाउ अब हम इन एंगल्स को इस तरह से ब्रेक करके इस क्वेश्चन को ईजी करते हैं सो गिवन एक्सप्रेशन इज एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ई एंड प्लस एंगल डी ए -E तो अब इनकी वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं सो फ्रॉम द डायग्राम ओके नाउ वी जस्ट राइट फ्रॉम द डायग्राम वी हैव ओके स्टूडेंट्स तो इस स्टेटमेंट को हम नीचे लिखेंगे फ्रॉम द डायग्राम वी हैव यू हैव टू राइट इन दिस वे So angle EAB you know it is 1 plus 2 okay right angle 1 plus angle 2 plus angle 3 as I explained to you then plus ABC ABC ka angle 4 you can see in the diagram here it is angle 4 okay then B C D so B C D means angle 5 plus angle 6 both these angles are here कैन सी हि दे सो सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सेवन प्लस एट एंड स्टूडेंट्स फाइनली वी हैव एंगल डीई ए दैट इज एंगल नाइन अब हम ट्राइंगल की एंगल्स हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो किसी एक ट्राइंगल में जो तीन एंगल्स आ रहे हैं उनको हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे ओके सो वन प्लस टू प्लस थ्री किसी ट्राइंगल में नहीं आते बट थ्री फोर फाइव एक ट्राइंगल बनाते हैं यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल द इंटीरियर एंगल्स थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ओके इन दिस ट्राइंगल वी हैव एंगल टू प्लस सिक्स प्लस सेवन एंड इन दिस ट्राइंगल वी हैव एंगल वन प्लस नाइन प्लस एट सो यू कैन सी वी हैव द सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स एंड यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन चेंज द ऑर्डर तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो हम ये लिख सकते हैं एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव ओके देन एंगल टू प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन एंड फाइनली वी हैव एंगल वन प्लस एंगल एट प्लस एंगल नाइन यू नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज वन एटी डिग्री सो थ्री फोर फाइव इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा वन एट्टी डिग्री सेकेंड इज ऑल्सो वन एट्टी डिग्री और थर्ड वन के लिए भी वन एट्टी डिग्री देन वी हैव फाइव फोर्टी डिग्री

ओके एंड इट इज फिफ्टीन सो एक्स क्या हो गया हमारा फिफ्टीन डिग्री हो गया देन पुट द द वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव एंगल्स आर तो पहला एंगल था फाइव एक्स देन फोर एक्स देन थ्री एक्स हमने यहां पे एज्यूम किया था यू कैन सी ऑल द थ्री एंगल्स सो फाइव एक्स एंगल्स आर फाइव इंटू फिफ्टीन डिग्री देन फोर इंटू फिफ्टीन डिग्री एंड थ्री इंटू फिफ्टीन डिग्री सो इट इज इक्वल टू फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव डिग्री एंड फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी डिग्री देन फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव डिग्री सो स्टूडेंट्स ये आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का देन क्वेश्चन नंबर टेन इज इन ट्राइंगल ए बी सी ट्वाइस ऑफ एंगल्स था कैलकुलेट ए बी एंड सी सो इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो हिंट इज गिवन तो इस हिंट का हम यूज करेंगे ओके सो डिज इज क्वेश्चन नंबर टेन सो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नाइन जैसा ही है बट इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया गया है ओके okay? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ ए बी एंड सी सो वीज जस्ट राइट टाइस ऑफ एंगल एक्वल थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल सी तो हिंट को हम यूज करेंगे देन ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल थ्राइस ऑफ एंगल बी ओके दिस इंप्लाइज ये जो साइन होता है इसको हम कहते हैं दिस इंप्लाइज एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू थ्री रेशियो टू ओके ये रेशियो रिवर्स ऑर्डर में होता है तो जब भी हम इस तरह से ए और बी का रेशियो फाइंड करते हैं तो हम वैल्यूज लिखेंगे थ्री रेशियो टू ओके कॉन्सेप्ट हमें रेशियो से आता है तो इस ओके okay, ये कॉन्सेप्ट हमें फ्रैक्शन से मिलता है जब रेशो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज आती है नाउ लेट मी टेल यू ये वैल्यूज कैसे आती है बिकॉज अगर आप अभी इसको नहीं समझते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं एंगल ए अपॉन एंगल बी इक्वल्स थ्री अपॉन

तो सिक्स और थ्री को हम इस तरह से लिखते हैं तो ये रेशो हो गया टू इज टू वन ओके टू रेशो वन तो अब हम देख सकते हैं एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इक्वल्स तो ये जो थ्री रेशियो टू में टू सेकेंड टर्म है और नेक्स्ट रेशो में ये फर्स्ट टर्म है इट मीन्स ये तीनों रेशो की मिडिल टर्म होगी सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स थ्री रेशियो टू रेशो वन ओके नाउ इजीली यू कैन फाइंड द

तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्स और वन एटी से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये तीनों जो रेशियो है ये एंगल्स के हैं और हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एंगल सम वन एटी डिग्री होता है ओके देन डिवाइड वन एटी डिग्री बाय सिक्स इट इज थर्टी डिग्री सो एंगल ए इज इक्वल टू थ्री इंटू थर्टी डिग्री इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री सिमिलरली एंगल बी क्या होगा बी का जो रेशियो है वो टू है मीन्स इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है तो टू अपॉन सिक्स यानी कि सम ऑफ द रेशियोज और वैसे ही इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री इट इज इक्वल टू टू इंटू थर्टी डिग्री दैट इज 60 डिग्री फाइनली फॉर वन तो एंगल सी क्या होगा वन अपॉन सिक्स इंटू वन एटी डिग्री डिवाइड बाई सिक्स वी हैव थर्टी डिग्री सो वी हैव वन इंटू थर्टी डिग्री इज इक्वल टू जस्ट थर्टी डिग्री नाउ राइट द आंसर hence angle a equals 90 degree angle b equals 60 degree angle c equals 30 degree so it was also the important question 90 60 and 30 this is the answer of question number 10 so next and last question of this exercise is 11th question is the angles of a triangle are x plus 21 degree x degree and 2x minus 45 degree find the value of x okay students सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन सो यहां पर जो तीनों एंगल्स हैं ये किस ट्राइंगल के हैं ओके okay. और हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल्स डिग्री होती है तो हम उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे एक्स प्लस ट्वेंटी वन डिग्री एक्स प्लस ट्वेंटी वन डिग्री प्लस एक्स डिग्री एंड प्लस टू एक्स माइनस 45 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे ओके वी हैव ये जो x है ओके मीन्स लाइक टर्म्स x x और ये टू एक्स तो इनका हमने टोटल किया तो ये मिला हमें 4x एक्स देन एड द वैल्यूज ओके मीन्स द कॉन्स्टेंट वैल्यूज तो ट्वेंटी वन और माइनस फोर्टी फाइव इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो ये होगा माइनस ट्वेंटी फोर इट इज माइनस ट्वेंटी फोर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ यू कैन सी इट इज अ लीनियर इक्वेशन तो हमने इस तरह की इक्वेशन को सोल्व किया है ओके सो फोर एक्स इक्वल्स वन एटी डिग्री प्लस ट्वेंटी फोर डिग्री ओके ये डिग्री में होगा करेक्ट सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है या तो हम सब जगह डिग्री लगाएंगे या कहीं भी नहीं लगाएंगे और राइट सो वी डोंट टू द डिग्री हियर देन ईजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो वन एटी प्लस ट्वेंटी फोर फोर एक्स इक्वल टू टू हंड्रेड फोर सिंपल एंड एक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड फोर डिवाइडेड बाई फोर सो एक्स इक्वल टू फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर वन जो फोर x equal to 51. Okay, so we have got the answer. Hence, x equal to 51. This is the answer of 11th question. Okay, students, so this exercise 12.1 finished and I hope you understood the concept and enjoyed this exercise. So, exercise was easy. The one and only one thing is to remember the angle sum property of the triangle and I hope you will solve these questions also. First, revise the video at least two times, then solve the questions without watching the video. If you find any doubt, then you can see the video again. Now, I am going to tell you some other properties of the triangles based on next exercise 12.2. It is about exterior and interior opposite angles of a triangle. So, students, suppose I have a triangle. I am going to explain the टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज सो दिस इज अ ट्राइंगल एंड इट इज ट्रैंगल ए बी एंड सी नाउ सपोज हम इसकी किसी एक लाइन इसकी साइड को प्रोड्यूस करते हैं ओके प्रोड्यूस एक्सटेंड कर देना तो बी सी को हम उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं पॉइंट डी तक यू कैन सी अव एंगल इज जनरेटेड हियर तो ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ए सी डी दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल सो सिमिलरली प्रड्यूस साइड सी एके इन दिस वे देन ओके टेक ए पॉइंट ई सो ये जो एंगल है यह भी एक्सटीरियर एंगल है और अगर हम इस ए बी को प्रोड्यूस करते हैं इस डायरेक्शन में सपोज पॉइंट एफ सो दिस एंगल इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इट मीन्स इस तरह से हमें थ्री एक्सटीरियर एंगल्स मिलते हैं नाउ there is a particular relation between an exterior angle and interior angles so tell let me tell you what is that property kya hota hai ki is exterior angle hai opposite interior angles ke sum ke equal hota hai now i erase other exterior angles to make the concept more clear abc to abhi humne yaha ek exterior angle generate kiya tha is angle ki value kya hogi ये जो दोनों opposite interior angles हैं इनके sum के equal होगी. now what about angle c तो आपको पता है angle c और ये जो एंगल है लेट दिस बी वन एंड टू सो वन एंड टू लीनियर पेयर है इन दोनों का टोटल होगा तो टू को हम यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सपोज दीज आर टू एंड थ्री एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल्स तो जहां कहीं भी ट्राइंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक इंटीरियर एंगल गिवन है तो इस प्रॉपर्टी से हम अदर इंटीरियर एंगल को ईजिली फाइंड कर सकते हैं Then, next concept is related to medians. This is also a very important point. Let me draw a triangle. Okay, let this triangle be triangle ABC. So, what is a median? Median of a side is just the line joining the midpoint of this side to its opposite vertex. Let me explain. सपोज हमें साइड बी सी का मीडियन फाइंड करना है तो मीडियम ऐसी जो इस बीसी के मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वो बीसी का ऑपोजिट तो इस ए को अगर हम डी से ज्वाइन मीडियन दिस इज द मीडियन ओके नाउ देर आर थ्री मीडियंस सपोज तो ये जो मीडियम होती है ट्राइंगल से एसोसिएटेड होती है ओके okay? सो so, वट शुड बी द अदर मीडियम सपोज वी कंसिडर द साइड ए बी तो हम साइड ए बी का एक मिड पॉइंट लेंगे लेट इट बी पॉइंट ई और इस ए बी का अपोजिट वटेक्स क्या होगा सी तो हम इसको सी से जॉइन करते हैं नाउ जॉइन ई एंड सी तो ये जो मीडियम है ये करस्पोंडिंग ये साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग मीडियम है सो दिस इज अनादर मीडियम ऑफ दिस ट्राइंगल ओके सेकेंड मीडियम नाउ इफ यू कंसिडर साइड ए सी दैन सपोज दिस इज अड पॉइंट एफ ओके एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स टू ए सी इज़ बी साइड ए सी का ऑपोजिट वर्टेक्स है वो बी है तो हम बी और एफ को ज्वाइन करते हैं दिस इज मीडियन बी एफ सो अल्टीमेटली वी हैव फाउंड थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ओके नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मीडियन एंड एक्सटीरियर एंगल्स द रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंड ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो सो मे बी बाई मिस्टेक आई सेट एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट थ्री ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो एक्सरसाइज ट्वॉइट टू उसको हम सोल्व करेंगे सोल्व द एग्जाम्पल्स ऑल्सो हैुड डे